देखिए ना कंचन, मिस्टी को नेल पेंट लगाना था। हमें तो ये सब आता नहीं, तो हमें लगा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ चले आए। अरे वाह, एक मिनट, आपकी ब्यूटीफुल आंटी आपके लिए कितना अच्छा शेड लेके आई। बेटा, आंटी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। ऐसे नहीं बेटा, आंटी को किसी दो। चलो चलो चलो। किसी दो बेटा। थैंक यू आंटी। भाभी, 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 अरे मिष्टी, अरे भाई साहब, आप यहाँ हैं? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। अरे अच्छा हुआ अनन्या तुम आ गई। देखो मिष्टी ने कंचन को कितना तंग किया हुआ है, बहुत सिद्धि हो गई। अब आप संभालिए, हम चलते हैं। कंचन, दरवाजा खोलिए, हम हैं। क्या हुआ है? आप इतने जोर से? क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं बेटा, ऐसे डरते नहीं। मां मैं डर नहीं रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। बस इसी बात का डर लगता है कि झुंझलाहट में मुझसे कहीं हाथ ना उठ जाए या हमें कुछ कहना दो, वरना बात बिगड़ जाएगी। माँ बेटा बेटा, आप शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मैं देखती हूँ। विशिष्का जी, लाइए हमें दीजिए। हेलो। हाँ कंचन जी। हाँ बेटा, हम माँ बोल रहे हैं। माँ प्रणाम। सॉरी वो हम बात नहीं कर पाए, सारे दिन केस के सिलसिले में बिजी थे तो। अच्छा, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। वो क्या है ना, नई दुल्हन के सारी रस्में पूरी हो चुके हैं, क्यों ना आप कंचन को अपने पास थोड़े दिनों के लिए बुला लें, वहाँ पर इनका दिल भी लगा रहेगा। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। अच्छा लीजिए, कंचन से बात कीजिए। जी माँ, प्रणाम। हाय फिशेश, सॉरी मैंने सुबह तुमसे बहुत ही बदतमीजी से बात की, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक्चुअली आई एम सॉरी,
गलती हमारी है। हम हमारी नई दुल्हन को वहां अकेला छोड़कर यहां काम करने चले हैं। दिस इज नॉट फेयर ना। डोंट वरी, हम आपके यहां आने का सारा इंतजाम कर देते हैं। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं कंचन जी। आप बहुत जल्द हमारे पास होंगे। ठीक है। घबरा क्यों रही? हम पहली बार तो करीब नहीं आए ना। आ। हम देखते हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा। तो अपना असली रंग दिखा ही दिया तुमने। इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? कर क्या रही थी तुम हमारे पति के साथ? तुम्हारी शादी को 2 दिन नहीं हुए और अपने पति के पीठ पीछे हमारे पति पर डोरे डाल रही थी। और किसी का ना सही कंचन, विशेष का तो ख्याल किया होता। जो तुम जैसी लड़की जिसका रेप हुआ है, ऐसी लड़की को इस राजघराने की बहू बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। बस बोल चुकी आप, हैरानी नहीं हुई मुझे कि जिस तरीके से आपने मुझे ऐसी लड़की कह दिया। कैसी लड़की हा? जिसकी सो कॉल्ड इज्जत लूट चुकी है। और आप लोग इज्जतदार, इसलिए बार बार मेरी बेइज्जती कर सकते? नहीं कर सकते, समझी आप? अरे दुनिया कैंडल मार्च कर रही है ताकि जिन लड़कियों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं ना, वो हादसों से बाहर आ सके, अपना सर उठाकर जी सके। लेकिन पता नहीं ये कैंडल की रोशनी समाज की सोच कब दूर कर पाएगी। समाज का नाम तुम ना ही लो तो ही बेहतर है। और आज जो हमने देखा ना कंचन, उसे देखकर हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी ही गलती रही होगी। बहुत आसान है ना ये कहते हैं, बहुत आसान है कि जिस लड़की के साथ हादसा हुआ सब ब्लेम उस पर डाल दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं अपने पति को। हमने देखा तुम क्या करेगी हमारे पति के साथ। जानती है ना अपने पति को अच्छे से, तो ठीक है, जाकर पूछिए उससे कि वो यहां क्या कर रहे थे। कंचन तुम बताओ, हम तुमसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि तुम जैसी दागी लड़कियां, मौका परस्त लड़कियां जो अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर गैर मर्दों को अपने झांसे में फंसाती है, तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां। कैरेक्टरलेस मैं नहीं हूं।
कैरेक्टरलेस वो है जिसने जिसने मेरे साथ ही घिनौनी हरकत की है। बेइज्जत मैं नहीं हूं तृष्णा जी, बल्कि वो मर्द है जो अपना जोर आजमाकर मर्द बनता है। किसे पता कि तुम्हारा रेप हुआ भी था? जाकर पूछे अपने पति से कि सच में मेरा रेप हुआ था भैया या नहीं। आपका पति, सुना आपने, वही था जिसने जिसने 3 साल पहले मेरे साथ एक घिनौनी हरकत कज़न। हम सोच रहे थे कि इस रक्षाबंधन पे अगर कंचन हमें राखी बांधे तो। पापा, आपका लॉकेट मिल गया। कुछ तो शर्म करो कंचन। मैं शर्म करूं? शर्म आपके पति को नहीं करनी चाहिए, वो तो सरेआम छाती चौड़ी करके घूम रहा है। अरे गनीमत समझे कि रक्षाबंधन वाले दिन माँ ने मुझे रोक लिया और मैंने अपनी जुबान नहीं खोली। रक्षाबंधन वाले दिन उसी दिन मुझे सब पता चल गया था। लेकिन मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिएगा। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे परिवार की चिंता है, अनन्या की चिंता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वरना मेरे सच बताने पर इन दोनों परिवारों के बीच जो असर होगा ना, वो अनन्या सह नहीं पाएगी। वरना गौर से देखिए, मुझे देखिए, आपको क्या लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सौरभ की गिरेबान पकड़ने से रोक सकती है? और तृष्णा जी, आप जानती हैं अगर अगर ये बात विशेष को पता चल गई तो क्या होगा? जिस इज्जतदार घराने की आड़ में आपका पति छुपा हुआ है ना, वो दीवारें भी उसे बचा नहीं पाएंगी और सब बिखर जाएगा, सब कुछ। जाकर पूछे अपने पति से कि सच में मेरा रेप हुआ था भैया या नहीं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे परिवार की चिंता है, अनन्या की चिंता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। कहां रह गई थी? क्या बात है, आप ठीक हैं? पापा, पापा, पापा। हाँ बेटा। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या हुआ? पापा, मैंने ड्रीम में मॉन्स्टर देखा था। अरे मॉन्स्टर देखा था? अरे मेरे बच्चे ने मॉन्स्टर देखा था। हमारे होते कौन मॉन्स्टर आ सकता है यहाँ पे? आपको स्टोरी सुननी है? सुना है स्टोरी? एक ना चिड़िया होती है और उसको एक आदमी जाल में फंसा लेता है और उसके बाद
अनन्या की प्रेगनेंसी अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लो लाइंग प्लासेंट, कम से कम 5 महीना है, इन्हें बहुत आराम चाहिए, इनका ख्याल रखिएगा। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? भाई आज तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। आपको लेकर जो आना है सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है शाम को। अब शाम का वक्त केवल हमारी बीवी के नाम। विशेष में नहीं आ रही। आप नहीं आ रही है मतलब? एक काम है और वो करना बहुत जरूरी है। Are you sure? इससे पहले मैं इतनी श्योर कभी नहीं हूँ। और फिर अनन्या दी भी है, उनकी तबीयत खराब है, उनका ख्याल भी रखना है और फिर माँ की हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाय। मेरी खामोशी को देखकर सौरभ के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब एक करारा जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। अनन्या, अब आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक है भाई साहब। माँ, आखिरी में मंदिर जाना चाह रही थी, अनन्या दी के लिए मन्नत मांग। अगर सौरभ जी साथ चलते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे आपके साथ। माँ, ये आपने क्या किया? आपने सौरभ के साथ बाहर जाने की बात क्यों की? अरे ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ आप अकेले बाहर कैसे जा सकती? तो क्या करूं माँ, मैं कब तक अपना मुंह बंद करके बैठी रहूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका अंत कुछ नहीं होगा। कंचन, हम नहीं चाहते आपका कोई भी उठाया हुआ कदम विशेष और अनन्या के जीवन में कोई तूफान खड़ा कर दे, इसलिए हमने आपसे कहा था कि ये बात आपके हमारे बीच में रहेगी। ये बात हम दोनों से निकल कर तीसरे इंसान तक पहुंच चुकी है। कृष्णा जी को सब कुछ पता चल गया। क्या? हाँ, परसों रात सौरभ ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो कृष्णा जी ने सब कुछ देख लिया था। उस आदमी ने आपका हाथ पकड़ा, वो भी यहाँ हमारे घर में? उसकी उसकी ये हिम्मत? हिम्मत तो बढ़नी थी ना माँ, ओफो, ये आपने क्या किया है कंचन? आपने ये सारी बात कृष्णा को क्यों बताई? आप कुछ भी कह देती, बात को संभाल लेती। हमने आपको कितना समझाया था कि आपको चुप रहना है, इतना भी आप नहीं कर पाई। कैसे चुप रह जाती माँ, कैसे चुप रहती? वो बौखलाकर मेरे चरित्र पर सवाल उठाने लगी, कहने लगी कि मैं उनके उस पति पर डोरे डाल रही हूं, सारी की सारी तौबतें मुझ पर डाल दी उन्होंने। बस अब बहुत हो गया, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे दोनों परिवार तबाह हो जाए। आपको सौरभ के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम उन्हें देख लेंगे। माँ, माँ,
कब तक ढाल बनकर मुझे बचाती रहेंगी? ये लड़ाई मेरी है, इस लड़ाई का सामना भी मुझे करने दीजिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, हम हरगिज आपको सौरभ के साथ अकेले नहीं जाने देंगे। माँ, माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना? बोलिए। हाँ, लेकिन तो बस आप अपना ये भरोसा रखिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से हमारे परिवार पर कोई दाग लगे या कोई आ जाए। और फिर ये है ना मेरे साथ, हम सब कुछ इन पर छोड़ दीजिए।